हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हिडन मैसेज केक का वीडियो, जिसे कि बनाना बहुत ही आसान है और आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिडन मैसेज केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने स्क्वायर हाफ केजी का केक रेडी कर लिया है। इसे मैंने 1 केजी बेस बोर्ड पर अप्लाई कर दिया है 10x10 इंच के। अब हम हिडन मैसेज केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मोटा पेपर ले लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर फॉन्डेंट का भी यूज कर सकते हैं। अब जो भी मैसेज हमें हिडन करना है उसे हम इस पर लिख देंगे। यहाँ पर कस्टमर ने मुझे अपनी मम्मी के लिए केक बनाने के लिए दिया था, तो उन्होंने मुझे आई लव यू लिखने के लिए कहा था, आई लव यू मॉम। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख दिया है और एक स्ट्रिप कट कर दी है। यहाँ पर हम इसमें पूरा आई लव यू मॉम लिख देंगे और एक मैंने यहाँ पर प्लास्टिक की स्ट्रिप और कट कर ली है OHP शीट से, ताकि जो हमारा पेपर है वो गीला ना पड़े, इस पर कुछ भी इफेक्ट ना पड़े क्रीम से। आप इसकी जगह पर फॉन्डेंट का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप फॉन्डेंट भी लगाएंगे तो आपको नीचे, या तो आप चॉकलेट लगा सकते हैं इसके नीचे, या फिर आप इसे इस तरह से कोई प्लास्टिक शीट रख के उसके ऊपर ये स्ट्रिप रखेंगे, उससे आपका जो मैसेज है वो खराब नहीं होगा। और इसके पीछे मैंने थोड़ी सी क्रीम लगा करके इसे अप्लाई किया ताकि ये हिले नहीं। और ऊपर से मैंने फिर से एक प्लास्टिक शीट लगाई है, ये OHP शीट आप ले सकते हैं। मेरे पास इस तरह की प्लास्टिक शीट पड़ी थी, मैंने उसी का यूज़ किया है। और जो ऊपर मैंने स्ट्रिप लगाई है वो नीचे मैसेज वाली स्ट्रिप से थोड़ी सी चौड़ी मैंने स्ट्रिप कट की है और उसे अच्छे से इसके ऊपर रख दिया है। और अब हम हल्के हाथों से केक के ऊपर इस तरह से क्रीम लगा देंगे ताकि ये जो हमने स्ट्रिप लगाई है ये छुप जाए। और हल्के हल्के हाथों से हम इसे स्प्रेड कर देंगे क्रीम को। हिडन मैसेज बनाने के लिए स्ट्रिप को हम एक तरफ से बाहर रखेंगे थोड़ा सा। और ये देखिए, मैं मॉम के लिए केक बना रही हूँ, मदर के लिए, तो यहाँ पर मैंने मॉम का जो टॉपर था उसे इस तरह से ले लिया है और इसके ऊपर स्ट्रिप वाले हिस्से पर मैंने रख दिया है। और अब हम इसके ऊपर जो डिज़ाइन हमें बनानी है वो बना लेंगे। यहाँ पर मैंने M1 नोज़ल और D2 नोज़ल से कुछ फ्लावर से बॉर्डर बना करके तैयार कर लिए हैं मल्टी कलर से। और ये देखिए, मैंने पूरा बॉर्डर बना करके रेडी कर लिया है। आप डिज़ाइन जो चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सिल्वर फुसफुस का यूज़ किया है, इससे जो क्रीम में शाइन बहुत ही अच्छी आती है, केक का लुक बहुत ही अच्छा आता है। और इसके ऊपर कुछ बटरफ्लाइज लगा दी है मैंने। और ये देखिए, फाइनल टच देने के लिए यहाँ मैंने बर्थडे का टैग लगा दिया है, जैसा कि कस्टमर ने बोला था। और केक हमारा बन के रेडी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कस्टमर ने मुझे वीडियो शेयर किया था। आई होप आपको आज का केक पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माँ लक्ष्मी।